गाइस, आज हम नारियल की बर्फी बनाएंगे। सिर्फ चार चीजों से हम बर्फी बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, एक कप दूध लिया है और एक ही कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया है और एक छोटी कटोरी हमने खांड ली है। तो आइए बनाते हैं नारियल की बर्फी। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसको मैंने गैस पे रख दिया है। सबसे पहले मैं एक कप इसमें दूध डालूंगी। दूध को मैं गर्म होने दूंगी। दूध हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये नारियल का बुरादा डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे मैं एक मिनट के लिए ढककर पकने दूंगी, जिससे कि हमारा नारियल का बुरादा अच्छे से फूल जाएगा। जब तक हमारा ये नारियल का बुरादा सॉफ्ट होता है तक हम ये मैंने बटर पेपर लिया है और ये एक बर्तन लिया है। मैं बटर पेपर पे थोड़ा सा घी लगा लूँगी और ये हमने बटर पेपर पे घी लगा दिया है और इसको मैं इस डब्बे के अंदर सेट कर दूँगी। इतना ये हमारा सेट हो चुका है, इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। तो इसे अब हम चेक करते हैं और ये देखो अच्छे से फूल गया है हमारा नारियल का बुरादा। गैस को मैं स्लो ही रखूंगी। अब मैं इसमें ये मिल्क पाउडर डाल दूंगी और मिल्क पाउडर को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी इसमें। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है बर्फी। गैस का फ्लेम हमें स्लो पे ही रखना है। और इसे मैं इसी प्रकार से हिलाती रहूंगी। अब मैं इसमें ये शुगर डालूंगी, ये मीठा आप अपने स्वाद अनुसार लेना और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसमें। और ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है बर्फी का। गैस को मैं बंद कर दूंगी। अब मैं ये डो को इस बाउल के अंदर डाल दूंगी जिसमें मैंने बटर पेपर लगाया हुआ था। और इसे मैं अच्छे से सेट कर लूंगी इसमें फैला के। आप चाहे प्लेट या थाली में भी इसे बर्फी को जमा सकते हो। और ये हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है इसमें। मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है इसमें। अब मैं इस पे ये चांदी का वर्क लगाऊंगी।
और ये हमारा वरक अच्छे से लग चुका है। और ये हमारी बर्फ़ी पे चांदी का वरक लग चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख। और ये हमारी बर्फ़ी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। अब मैं दूसरी साइड से भी कट कर लूंगी इसको। और ये हमारी बर्फी कट हो चुकी है। अब मैं इस बटर पेपर को प्लेट में निकाल लूंगी और अब मैं इसके पीसेस अलग करूंगी। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है हमारी बर्फी। इसे मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। और ये हमारी बर्फ़ी आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।